ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সাংবাদিক বৈঠকে। মিনিস্ট্রিজ অর ডিপার্টমেন্টস কি হেল্প সে और आज की तारीख में हमारे जो इंडियन टेस्टिंग किट्स हैं, इंडियन आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, वो काफी अवेलेबल हैं। 11 से 12 इंडियन वेंडर्स हैं जिनकी आरटीपीसीआर किट्स हम आज यूज कर रहे हैं। आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स का भी फिगर बढ़ता चला जा रहा है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं। तो हमने जो शुरू में ग्लोबल क्राइसिस का फेस हम लोगों ने फेस किया था, जब कोई भी टेस्टिंग किट्स हमें नहीं मिल रही थी आसानी से, आज वी आर इन अ मच मोर कम्फर्टेबल स्टेज बिकॉज ऑफ बहुत सारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर सामने आए हैं, हैंड होल्ड करा है उनको और अब हमारी सिचुएशन बहुत ईज आउट हो गई है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। धन्यवाद सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है, और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ, 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। इस विषय में मैं एक और मुख्य विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहां यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए, वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए, और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फेटेलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फेटेलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फेटेलिटी रेट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बारे में जैसे कि मैं ग्राफ में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो फेटेलिटी रेट जो पॉजिटिव केसेज आए पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में फेटेलिटी रेट 6.13% है तो वह हमारे देश में एज लो एज 2.82% है। और ऐसे भी देश हैं जहां पर कि 19.4%, 16.2%, 14.3% इस अधिक अनुपात में भी फेटेलिटी रेट कुछ देशों में नोटिस किया गया है। इसके लिए आई वुड अगेन लाइक टू रिट्रेट कि जो हमारा एफर्ट रहा है कि हम कैसे टाइमली केस को आइडेंटिफाई करें और उसको क्लिनिकली मैनेजमेंट पर उसका फोकस दें, उसके तहत हमें यह फायदा दिखाई दे रहा है। और साथ ही इसी फेटेलिटी को अगर हम केस फेटेलिटी पर लाख पॉपुलेशन भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारा केस फेटेलिटी पर लाख पॉपुलेशन इज ऑल्सो अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि पूरी दुनिया में केस फेटेलिटी पर लाख पॉपुलेशन करीब 4.9 के बराबर है, इंडिया में वह 0.41% है।